चलो बेटे कार्बन। लास्ट फंक्शनल ग्रुप इज कार्बोक्सिलिक एसिड। सो कार्बोक्सिलिक एसिड इज आल्सो अ टर्मिनल ग्रुप एज एल्डिहाइड इज। ठीक है, फर्क क्या है दोनों में? एक ऑक्सीजन का। दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पे वन मोर ऑक्सीजन इज देयर। सो यू कैन ऑल्सो मेक लाइक दिस और यू कैन राइट लाइक दिस। ठीक है बेटे, ऐसे भी यू कैन राइट। राइट पढ़ेगी आज। होल में ओ एच तो मिथेनॉल। गरिमा व्हाट डू यू वांट टू से? आई एम नॉट गेटिंग इट। अल्कोहल में ओ एच, बेटे ओ एच जब मैं टर्मिनल ग्रुप की बात करती हूँ, इट मींस ये ग्रुप जहां से स्टार्ट होगा वहां से नंबरिंग शुरू हो जाती है। ठीक है, जो अल्कोहल की बात है तो अल्कोहल में ओ एच यहां से भी लग सकता है। ठीक है, और अल्कोहल यहां पे भी लग सकता है, तो तब हम काउंटिंग यहां से स्टार्ट करेंगे। तो प्रोपेन वन ओल बोलोगे या प्रोपेन टू ओल बोलोगे, टर्मिनल ग्रुप का मतलब होता है जहां पे लगा है वहां से काउंटिंग शुरू हो जाती है। ठीक है, वो ओ एच है अकेला, ये सी ओ एच है कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके गरिमा, और क्या हो, व्हाट डू यू वांट टू आस्क? ठीक है, दैट इज सी ओ ओ एच। Alcohol are only OH functional group. It doesn't have its own carbon. So this is a carboxylic acid group. ठीक है? So बेटे COOH, अगर एक हाइड्रोजन और लगा दोगे तो what will be its name? Its name will be one carbon compound will be methanoic. Methanoic acid. Okay, you can even write like this. This is the condensed formation. ये मैंने open में दिखाया just to tell you the difference between two oxygen, that this oxygen is doubly bonded and this oxygen is singly bonded to carbon. Okay, otherwise you can write COOH. ठीक है, मगर at a time oxygen ने two bonds ही बनाने हैं. Now this oxygen is forming one bond with carbon and another bond with hydrogen. Got it? So this is C double bond O. So this is methanoic acid. We can write like this also. And what is the common name given to this methanoic acid? It is a formic acid. You have read about this formic acid in the previous chapter, acid, base and salt. That red art mein se formic acid aata hai. So this is this formic acid, that is a methanoic acid. Theek hai? In the same way, bete, next acid is one more carbon atom is increased. ओके, नाउ दिस हाइड्रोजन रिप्लेस करके हमने एक और कार्बन एटम इंक्रीज किया, तो इट इज ऑब्वियस यहाँ पे सी एस थ्री ही आएगा। कार्बन की क्या वैलेंसी है? दैट इज फोर। एक बॉन्ड इसने इस कार्बन के साथ बनाया है, एंड देन यू विल मेक थ्री हाइड्रोजन मोर, तो इट विल बी विच एसिड? एनी वन? व्हाई नाइन्थ स्टैंडर्ड इज कमिंग हियर? This is ethanoic acid. Tanveen, no, it is not a butanoic, it is ethanoic. Tanveen, you have lectured with Rupinder ma'am, bete. I have shared the idea of Rupinder ma'am, just check it out. So this is ethanoic acid. Two carbon acid is ethanoic. Arshin, why is butanoic? So it is ethanoic.
एंड कॉमन नेम टू द इथेनॉइक इज एसिडिक एसिड, जो विनीगर में यूज होता है, जिसे आप सिरका कहते हो है ना, उसमें ये वाला एसिड पाया जाता है. ठीक है, ओके, सो दिस इज इथेनॉइक. अच्छा, लाइकवाइज नेक्स्ट विल बी हाँ जी, नेक्स्ट विल बी व्हाट बी द नेम ऑफ दिस नाउ हैविंग थ्री कार्बन. यस बेटे, हाँ, सो इट इज प्रोपेनोइक एसिड. इन द कॉमन नेम इट इज रिटन एज प्रोपेनोइक एसिड. आई का फर्क होता है, नोइक एसिड. चलो आपने यहाँ पे आईयूपीएससी नेम भी करना है. देन ब्यूटेनोइक एसिड, एंड देन देयर इज ब्यूटेरिक एसिड, वैलेरिक एसिड, बट यू हैव टू डू दिस टू कॉमन नेम, इट्स इनफ फॉर यू. ओके, सो दिस इज अ प्रोपेनोइक एसिड. तो इससे आपको क्लियर है इसका सफिक्स क्या यूज किया हमने, ऑइक एसिड. यू हैव डन बेटे फोर फंक्शनल ग्रुप, इन विच वन फंक्शनल ग्रुप यू हैव यूज प्रीफिक्स, दैट इज हेलोएल्केन्स. उसमें हम प्रीफिक्स ऐड करते हैं, क्लोरो पहले बोलते हैं. ठीक है, देन यू हैव डन एल्डिहाइड कीटोन्स विच बिलोंग्स टू वन फैमिली ओनली. फॉर एल्डिहाइड द सफिक्स इज अल, एंड फॉर कीटोन द सफिक्स इज ओन. ठीक, एल्डिहाइड एज कार्बोक्सिलिक एसिड इज अ टर्मिनल ग्रुप. ओके, alcohols have all as a suffix, it is not a terminal group, it can add. This also can add in between like this, you will do in the higher standard. अगर मैं COOH यहाँ लगा दूँ, पर मैंने counting ही यहाँ से शुरू कर देनी है. ठीक है, मैंने counting ही इसको यहाँ से शुरू कर देनी है. फिर इसको main chain में मैंने लेना ही लेना है. अगर ऐसा कुछ कंपाउंड बने तो ये सब्स्टिट्यूएंट बन जाता है, तो ये 2-methyl प्रोपेनोइक एसिड हो जाएगा. अगर यही ग्रुप यहाँ पे OH होता तो हम इसको साइड ले लेते और इसे बोलते प्रोपेन टू ओन. ठीक है, या प्रोपेन टू कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसा नहीं बोलते, इसको काउंटिंग में ले लेते हैं और दूसरा हमने सब्स्टिट्यूएंट बना देना होता है. ठीक है, इसलिए कहते हैं कि टर्मिनल ग्रुप है, मेन ग्रुप है ये, इसको आप छोड़ नहीं सकते. जब भी आप काउंटिंग करोगे तो इस ग्रुप की साथ में ही काउंटिंग करते हो. ठीक है, अब वो आप 11th स्टैंडर्ड में सीखोगे, जैसे 1, 2, 3. ओके, एल्कोहल्स में क्या करते थे हम, 1, 2, 3, तो ये OH को छोड़ देते थे, हम OH को छोड़ देते थे. ठीक है, अब आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा. तो आप ऐसे करते थे तो प्रोपेन टू ऑल बनता था. अब ये क्या बनेगा, 2-methyl सब्स्टिट्यूएंट बन जाता है और ये प्रोपेनोइक एसिड हो जाता है. ओके, जिन फंक्शनल ग्रुप का खुद का कार्बन होता है, यू विल बी काउंटिंग दैट. मोर देन वन हो जाएंगे ऐसे तो यू विल डू इन द हायर स्टैंडर्ड अगेन. अब ये आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा. ठीक है बेटे, so these acids are in your syllabus. Okay, any doubt? No doubt. Now next is bete homologous series. This what I have written is homologous series only. Homologous series वो series है जिसमें जो डिफरेंट कंपाउंड लिखते हो उनका फंक्शनल ग्रुप सेम होता है एंड हर एक नेक्स्ट मेंबर CH2 से डिफर करता है. ठीक है, ओके, सो होमोलोगस सीरीज. आपको लेट मी टेक एन एग्जांपल फॉर यू. फॉर एग्जांपल, I have taken alcohol family. So this is first methanol. This is second ethanol. This is third propanol. This is fourth butanol.
द सेम वे, ठीक है, दिस इज इथेन, दिस इज प्रोपेन, दिस इज ब्यूटेन, ठीक है, एंड सो ऑन. ठीक है, अभी एक ये मैंने क्या ड्रॉ किया बेटे, एक होमोलोगस सीरीज ड्रॉ की है. ओके, होमोलोगस सीरीज में आप देख रहे हो ये कार्बन हैं चेन में लगे हुए आपस में. ठीक है, अब हमने इस इथे इसको उठाया और इसके वहां पे एक हाइड्रोजन रिमूव करके हम OH ले, तो हमें ये एक सीरीज मिल गई. इस सीरीज में क्या डिफरेंस है, ध्यान से देखो. इस सीरीज में हर एक नेक्स्ट मेंबर जो आ रहा है उसमें एक CH2 ग्रुप बढ़ता जा रहा है. ठीक है, देयर इज इंक्रीज इन CH2 ग्रुप. ओके, एवरी सक्सेसिव कंपाउंड और एवरी सक्सेसिव मेंबर ऑफ दिस होमोलोगस सीरीज हैव वन CH2 ग्रुप या यूनिट एक्स्ट्रा. ओके, इन द सेम वे इफ यू कंपेयर प्रोपेन विद ब्यूटेन और इथेन विद प्रोपेन, तो यू कैन सी बेटे वन यूनिट दैट इज CH2 इज इंक्रीजिंग विद एवरी सक्सेसिव मेंबर. ओके, व्हेन CH2 ग्रुप इज इंक्रीजिंग, सो यू ऑल नो व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, इट इज 12. कार्बन का क्या होता है बेटे, 12, और हाइड्रोजन इट इज 1 × 2. That is 14. Okay, so the atomic mass of the every successive member increases by 14. ठीक है, 12 of carbon and 2 of hydrogen. Okay, तो अगर homologous series इसकी बात करें तो see 14 से differ कर रहा है, इसकी बात करें तो ये भी 14 से differ कर रहा है. Every successive member, मगर एक homologous series की बेटे, they have same chemical properties, they show same type of chemical reaction. So what will be the difference? There will be the gradation in the physical properties. When we are talking about gradation in the physical properties, it means the boiling point or melting point changes. No, physical properties क्या है बेटे, जब हम बात करते हैं state की, solid, liquid, gas, जब हम बात करते हैं किसी का मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट की, ठीक है, वो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं. जैसे कि आप खुद समझ आ रहे हो, अगर यू हैव स्मॉल क्यूब ऑफ अ बटर, इट विल मेल्ट फास्ट. अगर आप बटर की बड़ा सारा ब्लॉक ले लोगे, इट विल टेक टाइम. लाइक इन द होमोलोगस सीरीज, एज नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीजेस, ठीक है, सो मास विल इंक्रीज. In at each step, you can say that CH2 is increasing. Every successive member have one CH2 unit more than the other, the upper one. Okay? So if the CH2 unit is more, that means the mass is more. If it is having the more mass, then melting and boiling point will be more. Okay? So the physical properties have gradation, means wo increase karte hain. मगर केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो ऑल द एल्कोहल विल बिहेव लाइक सेम, मींस दे हैव सेम टाइप ऑफ रिएक्शन. ऑल द एल्केन्स हैव सेम टाइप ऑफ द रिएक्शन. व्हाट द पॉइंट बेटे? यस, एनी डाउट? से यस और नो. आई एम सीइंग योर चैट बॉक्स नाउ. ठीक है, तो यू शुड नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड व्हाट विल बी द केमिकल प्रॉपर्टीज. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन होमोलोगस सीरीज इज ऑलवेज एंड ऑलवेज सिमिलर. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एल्केन, एंड ऑल द एल्केन विल अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एल्कीन, सो ऑल द एल्कीन विल गो एडिशन रिएक्शन. And if I am talking about alcohol, you will do in higher standard, they will go as they will show acidic nature also. You can eliminate OH group also and replace other group with OH group. Or you can oxidize alcohol as a whole.
So all the alcohol can be oxidized also, and H plus can also be replaced, OH can be also be replaced. Getting my point? But there is gradation in the physical properties, means the melting and boiling point of the compound will change. Okay, as the mass will change, there will be the change in melting and boiling point. Got the point? Okay, no doubt. Chalo. Aage ab aaj jo last topic of the chapter, allotropes of carbon. The main allotrope of the carbon are between diamond and graphite. And now one more is synthesized, that is fluorine. Diamond and graphite are the main one. Okay, first we'll discuss these two. Okay, ab nature mein carbon exist karta hai between two type of allotropes se. ठीक है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम है, डिफरेंट है, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है. ठीक है, ये क्यों इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है? क्योंकि जो इनके जो कार्बन एटम है उनकी अरेंजमेंट डिफरेंट है. दे हैव अ डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ द कार्बन एटम. ठीक है, अगर हम डायमंड की बात करें तो हर एक कार्बन फोर अदर कार्बन के साथ लगा हुआ है थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर से, एंड इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड. ठीक है, इन द केस ऑफ ग्रेफाइट, इन द केस ऑफ ग्रेफाइट ईच कार्बन एटम इज इन लेयर ज्वाइन विद थ्री अदर कार्बन एटम. ओके, इट इज ज्वाइन इन द लेयर. लेट मी शो यू द स्ट्रक्चर ऑफ द एलोट्रॉप्स. ठीक है, just see, like this is one carbon atom. Okay, this is one carbon, it is joined with other carbon here. Okay, ek ye ho gaya, ek ye ho gaya, aur ye ek ho gaya. So ek carbon at a time, aur ek yahan pe main draw karu. Theek hai, so this carbon is at a time joined to this 1 2 3 4, means one carbon atom is this type of arrangement is known as weighted tetrahedral arrangement. Theek hai, one carbon at a time is joined with another carbon atom forming the four bonds, that is called tetrahedral arrangement, and this arrangement go on. तो ये हेक्सागोनल रिंग्स बना लेते हैं. ओके, विल फॉर्म लाइक दिस. सो ईच का यू कैन सी हियर एक एग्जांपल दी हुई है बेटे. ईच कार्बन एटम इज सराउंडेड बाय एट ए टाइम सिक्स फोर कार्बन एटम. ओके, दैट इज अ फोर. Like अगर मैं यहाँ पे भी दिखाऊं, दिस इज वन टू, हियर यू कैन ड्रो वन मोर, एंड हियर यू कैन ड्रो वन मोर. इस बॉन्ड को ऊपर कर दो, विल बी मोर क्लियर टू यू. ओके, तो इट इज अब अगर ये दिखाओ तो दिस इज वन, दिस कार्बन एटम वन टू थ्री, एंड दिस इज फोर्थ वन. ओके बेटे, गॉट इट? सो दिस इज
structure of the diamond. In the structure of the diamond, you can see each carbon atom is surrounded by how many carbon atoms? 4. Like in methane, this is tetrahedron. Okay, this is a tetrahedral geometry. What's the point? Yes or no? Okay, now graphite mein kya hota hai bete? Graphite mein it will form this type of, it will again form hexagon. Magar ek layer mein एक कार्बन एटम 3 कार्बन एटम से ज्वाइंड है. ठीक है, तो लेट मी फॉर्म लाइक दिस. ये कार्बन एटम है, तो इट इज 1 2 3. ठीक है, 1 2 3. द सेम वे यू कैन ड्रॉ हियर. ठीक है, ओके, लाइक दिस. हियर अब जैसे ये बना है, देन यू कैन ड्रॉ हियर आल्सो. जितनी मर्जी आप लेयर्स बनाते जाओ, इसके नीचे भी ऐसे ही बेटे देयर इज अ लेयर. Not visible to you like this. It's quite difficult. थोड़ा सा नीचे कर दे हम कैमरा. ठीक है, ओके. वैसे इधर भी बना सकते हो, जैसे मैंने यहां बनाई है. You can go here also. So many layers, जैसे मर्जी. ठीक है, ओके. अब इसको ध्यान से देखो, एक कार्बन एट ए टाइम 1 2 3 से सराउंडेड है, और नीचे वाले कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, जैसे इस वाले. ठीक है तो ये भी टेट्राहाइड्रल सराउंड, पर अपने प्लेन में 3 कार्बन एटम से सराउंडेड है, और जो नीचे वाले प्लेन में पड़ा है यहाँ पे, वो दूसरे कार्बन एटम से नीचे की तरफ सराउंडेड है. तो यहाँ पे एक लेयर्स बनती है. इन लेयर्स के कारण ग्रेफाइट स्लिपरी होता है, क्योंकि ये जो लेयर्स है ना बेटे, एक दूसरे के ऊपर स्लिप कर सकती हैं. ठीक है, इस केस में लेयर एक दूसरे की स्किप नहीं करती है. They are just in the form of tetrahedral arrangement. They are so much compactly packed that diamond is hard substance. Okay, because of this layer only graphite can conduct electricity. It has free electron. ये जो है ये तो 1 2 3 strong bonds होते हैं, और ये और जो ये होता है ये weak bond है, जिसके कारण ये electron एक jump करके जा सकते हैं. So these are the two main form of graphite. One is hard, one is slippery. One can conduct electricity, other can't conduct electricity. And in both of the form, the carbon is tetrahedrally arranged. 4 carbon atom is arranged. Okay. So we'll meeting on next Monday. Happy Lohri to all of you. Enjoy your Lohri. Okay then. Chalo.